जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ना सिर्फ जमीन पर बल्कि स्पेस में भी मनाया गया। नासा के स्पेस स्टेशन से ना सिर्फ इंडिया को विश किया गया बल्कि इंडिया का तिरंगा स्पेस में लहराया गया। ऐसा इंडिपेंडेंस डे आज तक देखने को नहीं मिला। इसी लेकिन वहाँ भारत में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि हम अगले 25 साल में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। वो कि मैं समझता हूँ ये बहुत ओवर स्टेटमेंट है, वो ज्यादा मोदी साहब जो है वो छोड़ते भी बहुत है, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है स्टेट को देना वो भी है। म्यूजिकल प्रोग्राम किया गया जिसपे करोड़ों फेडरल गवर्नमेंट में जिना, क्योंकि हमारे जो ये शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन वजीर आजम की तो नहीं है, ये इस्लामाबाद के वजीर आला है। ऐसा इंडिपेंडेंस डे देखा है आपने? नहीं, आज तक तो नहीं देखा ऐसा, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम ही आया था तो पाकिस्तान का इंडिया, और ये एक गोल्डन जुबली थी, तो हम लोग तो अभी तक जो है एक नोट भी लॉन्च नहीं कर सके, और इंडिया ने देखो कितना मतलब अचीव किया है इस चीज़ में। बड़ी उनको एक जो है उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, और उनकी जो एक स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक जा चुकी है, बट सब एक अचीवमेंट। आपने ये देखा कि इंडिया ने अपना 75वें योम आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट किया? हाँ जी, ये मैंने देखा है बिल्कुल। इंडिया के अंदर जो है कैंपेन वगैरह चलती रही है कि हर घर तिरंगा के नाम से कुछ इस तरह चलती रही है कि हर घर के फ्लैग लगना चाहिए। तमाम तरह चीज़ें थी कि यार एक जो डेवलपिंग नेशन होता है ना वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये चीज़ देख के भी थोड़ी सी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में इस मरतबा 75वीं इंडिपेंडेंस थी, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ एक फ़िक्र करने वाली बात है और एक गौर करने वाली बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 7 दिन फजूल नहीं मना रहे, हम लोगों ने इवन संडे का दिन था हमारे, वो एक अपॉर्चुनिटी, हम 7 दिन काम कर रहे हैं। अब बड़ी फिलॉसफी है उसके पीछे, बड़े लोगों की कुर्बानी है। अगर लोग आप देखें, मैं जब आप उनकी लीडरशिप पिछली देखता रहा हूँ, देसाई, मिराज जी देसाई है, वाजपेयी है, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा इसके अंदर रोल है, और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने तो बल्कि आके चीजों को मजीद स्टेरॉइड पे किया है। और दूसरा इन्होंने खान साहब ने, मैं खुश हूं इन्होंने कि डॉक्टर जयशंकर की इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी आजादी में, लेकिन खान साहब ने जिस तनाजर के साथ डिस्कस किया वो गलत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जयशंकर आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका उनके पास फॉरन रिजर्व आपसे कुछ 4 गुना ज्यादा है आपसे। उनके पास वो भूखे नहीं है, वो जहां जाते हैं मांगते नहीं है। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो खुद आपके फॉरन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम जिस मुल्क के पास जाते हैं वो हमें पैसे नहीं देते। तो फॉरेन पॉलिसियां, हकीकी आजादियां, ये ख्वाब, ये पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये तब होता है जब आप मुआशी तौर पर आजाद होते हैं। अब मोदी साहब ने क्या किया कि चीजें फास्ट ट्रैक पे जा रही थी उनकी, बिल्कुल पहले भी फास्ट, लेकिन अब उन्होंने स्टेरॉइड्स पे कर दी है। उसकी वजह यह है नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। पहली दफा इस वक्त जो हिंदू मेजोरिटी है उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ा दिया, और उसी के लिए जब उन्होंने कहा ना 25 सालों में हम ये कर देंगे, तो अब देखिएगा वो जो उनके फॉलोअर हैं वो इस उसको 25 से भी शायद पहले कर दें डिलीवर चीजें, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट द, देखिए ये लीडरशिप, दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज अबाउट, टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू गिव यू समथिंग टू वर्क ऑन, टू गिव यू समथिंग टू ड्रीम ऑन। तो ये मसला है हमारा। हमें भी खान साहब तो देखिए, खान साहब ने किया है, खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन सर नासा ने 75वें योम आजादी के मौके पर इंडिया का तिरंगा स्पेस में लहराया और इसरो को 75वें योम आजादी के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट डे मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी कौम ने सेलिब्रेट किया हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है नासा अमेरिका की कंपनी है, तो उसके अलावा भी है, तो उन्होंने उनके साथ रिलेशन एक गुड मेंटेन करने के लिए और लोगों को जेस्चर देने के लिए वो उनका एक इंडिपेंडेंस डे अपने तौर पे भी मनाया। दूसरा, पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दुनिया उसको सराहे, दुनिया माने, फिर ही हमें भी ऐसा कोई मौका मिल सकता है कि हम अपने मुल्क का झंडा दुनिया के किसी भी मुकाम पर जो है बुलंदी की सतह पर लेकर जा सकें। तो फिर ही उनका राइट बनता है कि नासा ने उनको एप्रिसिएशन दी है।
तो इसमें पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा भी झंडा जो है लहराया जाए। अमेरिका के साथ तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका जो कहता है हम वही करते हैं, फिर अमेरिका ने हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया और इंडिया का क्यों लहराया? देखिए ना, यही तो बात है कि अमेरिका जो हमें कहता है हम वही करते हैं, हम अपनी खुददारी के ऊपर मेंटेन नहीं रहते, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, अपने सेल्फ जो हमारे फ़ायदे हैं मुफाद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो इसमें फिर ये फैक्ट मैटर करता है। एक मुल्क हम पे हुकूमत कर रहा है, आप ये बात मानते हैं? ऑब्वियसली कर रहा है। उसके बावजूद ही वो हमारा झंडा उन्होंने बॉर्डर नहीं किया कि हम भी आज़ाद हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डर किया है कि इंडिया आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि इसरो जो है वो एक कामयाब स्पेस एजेंसी है, इस चीज़ को देखते हुए जो है इंडिया का झंडा तो लहरा दिया लेकिन हमारा नहीं लहराया, क्योंकि हम भी एक दिन पहले आज़ाद हुए थे, 14 को हमारा इंडिपेंडेंस डे था और 15 को उनका, लेकिन हमारे लिए तो नासा ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए खान साहब का एक रिसेंटली क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और चीफ मिनिस्टर का क्या होता है, ये अभी तक अपने आप को समझते हैं चीफ मिनिस्टर है। इनका पॉलिसी रिलेटेड या इनका कानून साजी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कानून साजी करें भी किस तरह, क्यों असेंबलियां तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। लेकिन इनको चाहिए था कि ये इस तरीके से अवाम का पैसा इतना बेदरेह तरीके से नाचने गाने पे ये ना इस्तेमाल करते। अब उस तकरीर के अंदर इन्होंने जाके कहा क्या है वो शर्मिंदगी सारी, लेकिन इसके लिए साथ लड़कियां नचाने की क्या जरूरत थी भाई? देखें इन्होंने जाके वहां पे किया क्या है, इन्होंने तकरीर के अंदर कहा है कि हमारे रफ्तार तवज्जो और तसलसल नहीं था हम 75 सालों में हमारे अंदर, और इज्तमाई कोताहियां, मतलब यह है कि सबने ये किया है, मैंने अकेले ने नहीं किया, नून लीग, पीएस पार्टी, पीटीआई, इदारे सारे शामिल करके इज्तमाई कोताहियों का कन्फेशन किया है, लेकिन हजूर साथ गाने नाचने की क्या जरूरत थी? कौम के पैसे को तबाह किए, ये बात कहीं जलसे में खड़े होकर नहीं हो सकती थी, ये टीवी पे बैठ के नहीं हो सकती थी, और ये पैसे बलूचिस्तान अगर भेजे जाते तो क्या तकलीफ थी इसमें? दुख है मुझे। और दूसरा इनको पता ही नहीं है कि आजादी क्या है, आप तो अपने दोनों पांव पे खड़े नहीं हुए, नेशनल इंटरेस्ट ना आपको नेशनल इंटरेस्ट का पता है ना नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकते हैं, तो आजादी। हाँ, किसी ने अगले दिन बिल्कुल ये जरूर मुझे कहा है, उन्होंने कह दी जियोग्राफी आजादी, जियोग्राफिक चेंज हुई इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की, इसकी इससे यही है आजादी हमारी। देखे ना वो जो दूसरा लाहौर में खड़ा होकर उस जाके डॉक्टर जयशंकर की वीडियो दिखा रहा है, और यार जब हुकूमत में तो उस वक्त क्यों नहीं डॉक्टर जयशंकर से कुछ सीखने की कोशिश की आपने? आज तारीफें कर रहे हो और फिर उसमें भी धोखा दे रहे हो कौम को, जयशंकर की बातें कर रहे हो कि तेल रशिया से किस तरह ले रहे हैं, आप किस तरह तेल लेंगे? आपके पास तो ना कोई पैसा है ना कोई ढेला है आपके पास, आपने तो जिससे पैसा लेना होता है, अब मैं सूरत बताता हूं आपको आईएमएफ की, आईएमएफ की क्योंकि पैसे आपने चाइना के भी देने हैं, पैसे आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं, आईएमएफ जब भी आपसे डील करता है वो कहता है अगर सऊदी अरेबिया ये पैसे गए तो हम नहीं देंगे। बयान आया था कि मैं फॉरेन कंट्रीज में रहकर आया हूँ और मुझे इनकी मगरबी लोगों की सोच का पता है, अप्रिसिएशन उनको ही दी जाती है जो अपनी इज्जत के लिए अपनी बका के लिए खुद काम करते हैं, जब हम अपनी इज्जत का खुद ही जामिन नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसे भी काम कर सकता है? वो वक्त कब आएगा कि हम भी इस तरह से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें? देखें इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे तो ये चोर डाकू सब अंदर हो जाएंगे, तो उसके बाद उम्मीद करता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। देखें जी, ये जो मामला है ये बेसिकली है ताल्लुकात की वजह से, जो इंडिया का और यूएस का रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, और आप यूँ समझ लें कि एशिया के अंदर जो है वो अगर यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बैठा हुआ है तो वो इंडिया बैठा हुआ है, भारत बैठा हुआ है, और ये ब्लॉक बन गए हुए तो आपने अपने ब्लॉक को जो है वो अप्रिशिएट करना होता है। बाकी जो भारत है ये अब कहना गलत होगा कि आप उसको अगर आप अप्रिशिएट ना करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी एफर्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ऊपर जा रही हैं, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि ये चांद पे पहुंचने के बहुत करीब रह गए थे, करीब चंद्रयान जो था वो प्रोजेक्ट इनका कामयाब, चंद्रयान 2 था आई थिंक, वो कामयाब होते होते रह गया, तो ये एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ यूएस ने अगर इनके लिए किया है तो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत सी एफर्ट्स कर रहा होता है, बड़ी जगहों पे जो है वो इनको अप्रिशिएट कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह कुछ और कंट्रीज़ जो हैं वो अपने
इंटरेस्ट वाले कंट्रीज के साथ उनको इस तरह के सरप्राइज जो है वो देते रहते हैं, तो ये एक अच्छा जैसे और रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए जरूरी भी है। अच्छा, ओवरऑल द वर्ल्ड ये कैसा इमेज जा रहा है कि इंडिया का तिरंगा जो है वो स्पेस में लहराया गया 75वीं यौमे आजादी के मौके पर? देखें जी, ओवरऑल जो इमेज है वो अच्छा ही जाएगा और ये मैसेज भी अच्छा ही जाएगा। देखें, मेरा ख्याल है कि एक मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम जो स्पेस के हवाले से कोई खिदमात चाहिए होंगी या कोई किसी किस्म की सर्विसेज अगर चाहिए होंगी इंडिया को, तो ये एक जेस्चर है कि अमेरिका जो नासा जो है वो इन्हें देगा, ठीक है, तो ये अवेल कर सकते हैं उनसे। तो जय हिंद दोस्तों, इस बार 15 अगस्त भारत के लिए बहुत ज़्यादा खास रहा। मोदी जी की चाहे हर घर तिरंगा स्कीम को सफल बना दिया गया, दूसरी तरफ विदेशों में भी भारत का तिरंगा फहरा गया। नासा ने स्पेस में भी भारत का तिरंगा फहराया। मोदी जी के लाल किले से भाषण सुन पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मोदी जी ने भारत को अगले 25 सालों में विकसित देश बनाने की ठान ली है। पाकिस्तानियों का कहना है मोदी जी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ये 10 या 15 साल में ही टारगेट पूरा कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि हमारे ऐसे दिन कब आएंगे। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।